Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247 wherein we discuss finance current affairs. So we all know RBI apna syllabus is change, kara hai, especially when it comes to the finance section. They have added one topic which is related to the changes, recent developments in the global financial system. Right? Abhita RBI was focusing when it comes to you know the international financial system or global financial system, RBI was focusing on basal norms. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टू थाउजेंड सेवन एट में जो ग्लोबल आया था हाउ इंडिया रियक्टेड टू दैट अलॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिवीन देर बट नाउ द फोकस इज नॉट जस्ट ऑन दॉम्सियल द इट इज ब्रॉडेड अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है इम्पैक्ट बाहर की कंट्रीज का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है

अबाउट फ्यू ग्लोबल फाइनेंशियल स्टार्ट करते हैं सब सबसे पहले फेडरल रिजर्व द फेडरल रिजर्व इज बेसिकली इसको क्या बोला गया है फेडरल रिजर्व सिस्टम द रीजन इट इज कॉल्डम बिकॉज इट इज नॉट जस्ट वन बैंक इट इज एन एंटायर सिस्टम जैसे आप पार्लियामेंट में देखते हो यूएस पार्लियामेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रेसिडेंट कांग्रेस सेनेट उसके नीचे मेयर आते हैं सिमिलरली दिस इज अ एंटायर फेडरल रिजर्व सिस्टम तो हुआ क्या था इन अर्ली 1900स अ डेट लाइक सिचुएशन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही थी नाउ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस वाज इनिशियली स्टार्टेड इन यूएस जिसमें बैंक रन्स हो रहे थे बैंक रन सिचुएशन हो रही थी

रिस्प यू नो फंड जब किसी भी बैंक को इमरजेंसी में फंड की जरूरत हो पैसे की जरूरत हो केस ऑफ अंत सिचुएशन भागते हैं सेंट्रल बैंक के पास कि वी नीड मनी सो देयर वाज अ नीड ऑफ फेडरल रिजर्व और फेडरल ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहली बेसिक नीड थी सेफ्टी देन एमरजेंसी सिचुएशन अब वो धीरे धीरे

ये हमने समझ लिया वाई इट फाउंडेड अब इसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा द स्ट्रक्चर कैसा है सबसे पहले देर आर गवर्नर यस सो दिस इज द स्ट्रक्चर द इंटायर फेडरल रिजर्व सिस्टम सबसे पहले देर इज फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सेवन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे स्टार्ट में एंड देन देर आर ट्वेल्व फेड रिजर्व बैंक्स जो डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर इनके नीचे काम कर रहे हैं लाइक इन इंडिया वी हैव द रिजर्व बैंक एंड उनके रीजनल हैं 31 पे, सिमिलरली देर इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सेवन गवर्नर्स थे एंड देन देर आर ट्वेल्व फेडरल बैंक अब एक और है दिस इज द फेडरल ओपन मार्केट कमिटी एफ ओ एम सी फेडरल ओपन मार्केट कमिटी ये क्या है

रिजर्व बैंक है फेड रिजर्व बैंक भी आते हैं मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं दिस इज दर स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ आ गया होगा वट आर देरियस फंक्शन कंडक्टिंग नेशन मॉनिटरी पॉलिसी हेल्पिंग मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन वही जो सब आरबीआई के फंक्शन है राइट right? आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है रेगुलशन सुपरविजन यू नो पेमेंट सेटलमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ करेंसी एंड ये इशू ऑफ करेंसी तो यही सब फेडरल रिजर्व का फंक्शन है राइट देन कम्स इंपॉर्टेंट द अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेजिल नॉर्म्स बेजिल में इसका हेडक्वार्टर है क्या होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट सो सारे सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है इंडिया में वैसे ही सारे सेंट्रल बैंक ने मिलकर एक बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बना सो दिस वॉज एस्टैब्लिश इन 1930 थर्टी विच रिप्रेजेंट दिच इज ओल्ड बाई सिक्सटी थ्री हेड ऑफ सेंट्रल बैंक 63 थ्री सेंट्रल बैंक जो कि 95 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं नाउ इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में बेजल स्विट्जरलैंड एंड टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वी ऑल नो अबाउट बी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये पॉलिसीज बनाता है रूल्स बनाता है एंड दे मॉनिटर सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज

तो BIS का फंक्शन क्या है पहले तो ये सबसे पहले ये सारे सेंट्रल बैंक्स के ऊपर काम करता है दे सेट स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट हैपेंस दी सेंट्रल बैंक्स दे दे अप्लाई दीस स्टैंडर्ड्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव कंट्रीज तो इसका हेड क्वार्टर है बेज़ल स्विट्जरलैंड में टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस हैं वन इन हांगकांग एंड मेक्सिको ठीक है ओके okay, अब BIS IH भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था

ओवरसी दीसीबीएस बैंकिंग कमिटी सॉरी बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन सो जीओ एच जी एच ओ एस दैट इज गवर्नर एंड ऑफ सुपरविजन गवर्नर मतलब सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स एंड सुपरविजन मतलब सुपरवाइजर्स ऑफ नॉन सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर्स ऑफ नॉन सेंट्रल बैंक ठीक है हेड ऑफ सुपरविजन का यह पार्ट है राइट सो दे ओवरसी बीसीबीएस तो so, ऐसे ही जो दीज कम जो ये कमिटी ये करता है meetings only, right? so, हर एक किसी ना किसी कमिटी को ओवरसी कर रहा होगा एंड वेन आई मीन गवर्नर ऑफ वेरियस वी आई एम टॉकिंग अबाउट देंबर्स सेंट्रल बैंक अब बी आई एस जो है एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज

सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन यूरोपियन सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन तीनिटी यूरोपियन सिस्टमैटिक रिस्क बोर्ड सिस्टम सुपरवाइज पार्ट ऑफ दिस यूरोपियन सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन नाम से ही समझ आ रहा है अब इनके दो फंक्शन है इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का इन सारी अथॉरिटीज के दो फंक्शन है

सुपरवाइजरी अथॉरिटी थ्री यूरोपियन सुपरवाइजरी अथॉरिटी वी हैव एसमा देन वी हैव यूरोपियन सिस्टमिक रिस्क बोर्ड एंड वेरियस नेशनल सुपरवाइजर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं लेट लेट अस अस लुक, लुक यस, एट द गवर्निंग बॉडी यस सो गवर्निंग बॉडी ऑफ एसमा में दो आते हैं फर्स्ट इज द बोर्ड ऑफ सुपरविजन बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स एंड देन वी हैव मैनेजमेंट बोर्ड राइट बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स नाम से पता लग रहा है डिसीजन मेकिंग बॉडी दिस द पावर टू मेक डिसीजन मेकिंग राइट सो डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस पे फॉल करती है वेरियस गाइडलाइंस आर फॉर्मड जो एसमा है दे ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मेक वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर देयर यूरोपियन मार्केट यूरोपियन यूनियन एंड

बहुत बहुत, बहुत ट है आई ओ एस एंड आई होप आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा तो so, जैसे अभी हमने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात करी बी आई एस एंड वेरियस मेंबर्स ऑफ दिस बी आई एस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और ओन द बी आई एस राइट सिमिलरली आईओ एस आई ओ एस सी ओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन दिस वर्क टूवर्ड्स सिक्योरिटीज लेजिस्लेशन सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर राइट हर कंट्री में जो भी सिक्योरिटी रेगुलेटर जैसे इंडिया में क्या है सेबी है एंड इन यूएस वी हैव दी सी सो जो भी सिक्योरिटीज रेगुलेटर है आई ओ एस सी ओ ठीक है 1983 में ये बना था आई ओ एस सी ओ राइट दे फंक्शन अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी बोर्ड एंड द जी ट्वेंटी ग्रुप इनका

पार्ट ऑफ दी आईओएससी इट इज डिसाइडेड ये करने वाले हैं so, इसके ही समझ आ रहा है sure कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है यू आर गोइंग टू डील विद अदर कंट्रीज यू आर नॉट वर्किंग इन अ क्लोज फ्रेमवर्क यू आर वर्किंग इन अ ग्लोबल फ्रेमवर्क और इन ओपन फ्रेमवक एंड इफ यू वॉन्ट इन्वेस्टमेंट इन योर मार्केट इन योर कंट्री इफ यू वॉन्ट पीपल टू गेट अट्रैक्टेड टू योर कंट्री वेन इट्स टू इनमेंट एजेंडा देन यू हैव टू फर्स्टली ओपन अप येट डेफिनेटली एंड

अब मैंने बताया दे वर्क एक्सटेंसिवली विद जी ट्वेंटी एंड द बी एंड डेवलप इंप्लीमेंट प्रमोट टू इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटीज रेगुलेशन ठीक है अब इनके तीन टाइप के मेंबर्स होते हैं वन इज ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एंड देन वी हैव अफिलियट

that will be an ordinary member of IOSCO. Then there is associate member part two associate member. Associate member क्या होते हैं एक है national organizations. Then in associate we have supranational or subnational. Supranational or subnational. Supranational क्या होते हैं ऐसी कोई organization हो सकती है जिसका अथॉरिटी ना ही सिर्फ उस नेशन में हो बट अदर नेशंस में भी हो राइट right? अथॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑन वन नेशन बट टू अदर नेशन एज वेल दिस बिकम सुपराशनल ठीक है मतलब आपके उस नेशन में अथॉरिटी है सबनेशनल मतलब नेशन के नीचे आता है वो सब नेशनल सो ऐसी अथॉरिटी जिसकी रेगुलेशन या जो डरिस्टिक्शन है आईओ एस सीओ काबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसे में यह आया था वर्किंग टूवर्ड फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर हम ऑलरेडी बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं सो गिफ्ट सिटी में हमारा पहला आई एफ एस सी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी में हमारा पहला आई एफ एस सी है एंड देर इज एन अथॉरिटी दैट इज रेगुलेटिंग दी आई एफ एस सी ए अब इनकी जो जोशन है इट इज नॉट जस्ट इन इंडिया बट ये इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली, सर्विस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स विच आर सेटअप इन इंडिया जो इंडिया में आई एफ एस सी सेटअप होंगे उनके ऊपर ही काम करेगा बट तीज सर्विस इंटरनेशनली तो आई एफ एस सी ए बिकम्स पार्ट ऑफ यू नो एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द आईओ एस सी ओ थर्ड काइंड ऑफ में आर अफिलियट में मतलब अटैचमेंट राइट सो अफिलियट में ऑर्गेइजेशन लाइक सिक्योरिटीज मार्केट या सेल्फ रेगुलटरी ऑर्गेनाइजेशन राइट तो सेल्फ रेगुलेशन जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इनका पाठ हो गई या सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस एम सॉरी सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस राइट अदर फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर यू नो इन लास्ट क्लास वी ऑल्सो स्टडी अबाउट एम आई आई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट सो ऐसे कुछ फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर या सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है दे विल बी मेंबर्स ऑफ़ द ओ अब अफिलियट मेंबर का मतलब जो भी आईओ जो स्टैंडर्ड्स बना रहा है दे आर गोइंग टू ऑल्सो यू नो क्रिएट स्टैंडर्ड्स इन अलाइनमेंट विदरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाई आईओसीओके उट आईओ एस टीओ फिर आते हैं जी एफ आई एन ये हमने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले पढ़ा था देर वॉज ए टेक्फिन ब्रॉट आउट बाई जी एफ आई एन प्लीज टेलमी इन सेक्शन वॉट वॉज दिसी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आरबीआई ने भी पार्टिसिपेट करा है सो फेज वन में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा व्हाट इज दिस टेक्फिन सॉरी येक्स प्रिंट टेक्स प्रिंट रिलेटेड टू टेक्स प्रिंट रिलेटेड टू दैट वॉज जी एफ आई एन लेके आया था ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क नाम से ही समझ आ रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन हियर सो दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरियस टूल्स दैट आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स इनोवेशन अब ये ग्लोबली वर्क कर रहा है नेशनली नहीं वर्क कर रहा फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वी हैव आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब तो ये हब है या सब्सिडरी है आरबीआई की विच इज गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स इनोवेशन सिमिलरली ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क ज गोइंग टू वर्क ग्लोबली टूवर्ड्स वेरियस फाइनेंशियल इनोवेशन ठीक है 2019 में ये सेटअप हुआ था इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इसका पार्ट है फाइनेंशियल इनोवेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ठीक है मोर एफिशियंट वे ऑफ ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियार्म्स जो है there are various innovative firms that are going to start working towards innovation to pilot projects hain jo firms hain jo pilot pe aisa koi naya kaam karna chahte hain koi innovative kaam karna chahte hain right so we all know about techfins what are techfins ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज फिनटेक और टेकफिन ये तो सबने सुना ही होगा फिनटेक एंड टेकफिन fintech is

जी ट्वेंटी समिट हुआ था लंडन में 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन आया था इससे पहले जो काम कर रहा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम अब नाम से पता लग रहा है फोरम है या बोर्ड है दिस इज वर्किंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी राइट सो इट इज गोइंग टू मॉनिटर द फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज गोइंग ऑन एंड रेकमेंड तो पहले तो मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई ऐसे हो रहा है लेट्स सपोज ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो रहे हैं या सारी कंट्रीज की रुपी सॉरी uh, सारी कंट्रीज की करेंसीज एप्रिसिएट कर रही हैं सो दे आर मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑन दैट दे आर मेकिंग तो दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड अब इनका जो रोल है दिस इज वेरी मच इन अलाइनमेंट विद द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड एक्चुअली वर्क इन अलाइनमेंट विद द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में एक सेक्रेटेरिएट है कुछ ग्रुप मेंबर्स का जो इसको होस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ठीक है किसका सक्सेसर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम का तो इससे पहले एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम था एफ एस एफ विच डॉक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हाउ टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इंटायर ग्लोबल इकोनमी तो सबसे पहले मॉनिटर करेंगे फिर रेकमेंडेशन देंगे सो देर मे दिस इज मैनेज स्मॉल सेक्रेटेरिएट विच इज हाउस्ड एट बी आई एस इन बेसिल स्विटरलैंड तो ये भी बेजल स्विट्जरलैंड में ही है राइट तो बी आई एस के अंडर ही है ये एंड इट इंक्लूड अब इसमें कौन कौन सा एफ एस एफ जो था इसमें कौन कौन सेफ मेंबर्स जो है एट द सेम टाइम एफ एस बी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे दिस बोर्ड विल हैव में फ्रॉम जी ट्वेंटी कंट्रीज जो ऑलरेडी एफ एस एफ के मेंबर्स थे एंड यूरोपियन कमीशन विच इज वर्किंग यूनो इन द यूरोपियन यूनियन ठीक है

क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन बैंक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट जिसमें सब आ जाता है स्टॉक मार्केट भी आता है सिक्योरिटीज मार्केट और बैंकिंग स्ट्रक्चर भी आता है राइट सो दे कैन पार्टिसिपेट द मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट थ्रू बैंकिंग सेक्टर दैट इज द सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज देयर डिपार्टमेंट्स एंड थ्रू सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स So this was about the financial stability board. Now, one information that I want to give you about the crash course is that abhi ye crash course jo hai, it is available at 10,000. However, this 10,000 may you are also getting a kit wherein we give you a lot of books related uh, for your exam. So a kit be In case you do not want this kit, the course is available at 7500. So go check out on the website, have a lot of information about it. If you are interested, then definitely you can buy this at 7500. लेट्स कम टू क्वेश्चन डैश इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट मॉनिटर्स एंड मेक्स रेकमेंडेशन अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इट वॉज एस्टैब्लिड आफ्टर तो ये जी ट्वेंटी की बात कर रहा है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहा है एंड मॉनिटरिंग की बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोट डैश इज वन ऑफ द गवर्निंग बॉडीज ऑफ एस्मा ओके एस्मा की बात हो रही है एस्मा में हमने दो गवर्निंग बॉडीज देखी थी बैंक ऑफ सुपरवाइजर्स

सो यू शुड नो वॉट इज द ऑब्जेक्टिव वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन तभी आप समझ समझ पाओगे की वो क्या कर रही है और ये वो न्यूज में क्यों है राइट सो जस्ट नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव वाई एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म इससे ज्यादा आप मत पढ़िए इन केस यू डू नॉट वॉन्ट टू स्ट राइट अब आदमी सिलेबस बढ़ाया है तो हमें ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा राइट सो दैट सेट फॉर टुडे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू